अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और ये वीडियो आप हिंदू लवर चैनल से देख रहे हैं। तो गाइस ये फैमिली है, तो आपको इनसे मिलवाते हैं। और इनके ये कुछ आगे से जो घर बने हुए हैं वो कच्चे बने हुए हैं, लेकिन कुछ ईंटें वगैरह वो लगाई हुई हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके हैं बरसात की वजह से। चलो इनसे मिलते हैं। तो ये फैमिली है आगे से, आप देखिए कुछ लोग इनके बाहर गए हुए हैं मजदूरी के लिहाज से, और इसका जो आंटी है, आंटी का हस्बैंड जो है वो मजदूरी के लिए बाहर गया हुआ है, और इसके बेटे भी हैं वो भी मजदूरी के लिए गए हुए हैं। तो ये भाई, ये भी इनका अपना है। तो ये इनके घर हैं, ये आप देख सकते हैं, ये कच्चे बनाए हुए हैं अंदर से, दाराने पड़ गई इनको। और ऊपर से छत में आपको दिखा दूँ तो ये छत देखें वुड की बनी हुई है, एक एक जगह पर लोहा लगा हुआ है, बाकी वुड की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है। तो इनसे बात करेंगे भी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम क्रिश्चन है। क्रिश्चन, क्या लगती है आप इस फैमिली के? ये मेरे भाई के बेटे हैं। भाई के बेटे हैं आपके? हाँ। यानी कि भाई भाभी है आपकी? हाँ। अच्छा, देवर हो आप इसके? हाँ। अच्छा अच्छा, तो ये फैमिली, इनको उर्दू नहीं आती है वैसे? आती है थोड़ी बहुत आती है। हाँ। तो ये बोलेंगे उर्दू में? हाँ। अच्छा, तो बरसात के इनको क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या कुछ कितना कुछ नुकसान हुआ है, क्या हुआ है तो हमें तो बता सकते हैं आप थोड़ा? नुकसान तो बहुत हुआ था, कमरे वगैरह ये गिर गए थे। अच्छा, कमरे रूम वगैरह गिर गए थे? गिर गए थे, यानी दराने आ गई थी अंदर? फिर से गिरी नहीं, यानी क्रेक हो गए थे ऊपर से, मना हो गया था बहुत, पानी टपकता था ऊपर से बरसात जब आई, फिर से उनको बनाया है। तो गाइस ये हिंदू बागड़ी कम्युनिटी से है, ये हिंदू सिंधी हिंदू बागड़ी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले। ये भाई छोटा सा बच्चा है, इनसे भी मिलेंगे। भाई क्या नाम है आपका? पलात जी। पलात पहलाज, क्या काम करते हो आप? क्या काम करते हो? खेती बाड़ी करते हो? हाँ। स्कूल नहीं जाते आप? स्कूल नहीं जाते? क्यों, स्कूल नहीं है गए? स्कूल नहीं है? नहीं यार, स्कूल तो जाया करो आप। तो भाई स्कूल तो भेजो इन बच्चों को। तो पैसे वगैरह नहीं है तो कैसे भेजें इन को? तो सरकारी स्कूल नहीं है क्या? सरकार नहीं है यहाँ। तो आप हिंदू लोगों को सरकारी में यहाँ इज्जत नहीं देते? गए रिस्पेक्ट नहीं देते? नहीं, नहीं। क्यों? है ही नहीं इधर सरकारी स्कूल हमें। अच्छा, तो कितनी दूर है यहाँ स्कूल? प्राइवेट है स्कूल यहाँ। प्राइवेट है? अच्छा, तो भाई बोल रहे हैं प्राइवेट स्कूल है। तो ये अम्मा जी से हम बात करें। अम्मा जी क्या नाम है आपका? गोमती। गोमती, क्या काम करते हो आप लोग? क्या घर का काम हम करके बैठे? खेती बाड़ी का करते काम हो? करते हैं, मजूरी वजूरी करते हैं, कपास वगैरह फुट्टी की चुनाई करते हो? अच्छा अच्छा, भैंसों के चारा वगैरह भी काटते होंगे। तो ये आपके कितने बेटे हैं आंटी? चार बेटे एक बेटी। चार बेटे एक बेटी, अच्छा, तो जिन पाँच ये टोटल। और आपका हस्बैंड क्या काम करता है? घर वाला? ये भी खेती बाड़ी का काम करते हैं। ये भी खेती बाड़ी का काम करता है। और ये भाई आपका बेटा है छोटा? अच्छा अच्छा, भाई क्या नाम है आपका? रवि। रवि कुमार। रवि, फिल्में वगैरह देखते हो? हाँ। नहीं देखते हो? नहीं। ये आपका घर है? हाँ। बरसात में कितनी तकलीफ हुई आपको? बहुत तकलीफ हुई। तो गाइस इनको आपने सुना बरसात में बहुत ही तकलीफ हुई थी, तो इनके घर में आपको दिखाया। जैसा कि इनको बोलेंगे हमें अंदर रूम की विजिट कराएंगे, सारे चलेंगे हमारे साथ, तो अंदर चले हमें रूम दिखाएं अपना आप। तो गाइस ये अपने रूम के अंदर जा रहे हैं, तो मैं इनको ताला लगा देता हूँ और मैं चला जाता हूँ। तो मजाक कर रहा था। सिस्टर क्या नाम है आपका? प्रेमी। प्रेमी, आप क्या काम करते हो? घर का काम? हाँ। घर के काम को क्या बोलते हो आप लोग? टूड़ा? हाँ। रोटी वगैरह बनाते हैं सिस्टर। तो देखे गाइस ये थे इनके घर। साफ करती है जी? अच्छा अच्छा, ठीक है। बर्तन वर्तन साफ करते है, कपड़े वपड़े धोती है। ठीक है, तो भाई आ गया जनाब, थोड़ा दो मिनट ये हमें दिखाएं आप। ये देखिए दराने पड़ गई है हमारे घर में, और ऊपर से भी पानी वानी टिमकता है नीचे। तो गाइस ये कहने का मतलब भाई का ये कि आगे ऊपर से दराने पड़ गई हैं, और ऊपर से वुड की लकड़ी की छत बनी हुई है, तो ऊपर से पानी भी टपका था बरसात में। सब तो सामान वगैरह बाहर निकाल दिया हमने, बाहर रखा। तो सामान वगैरह इन्होंने बाहर निकाल दिया, और बरसात में इनको इतनी तकलीफ हुई कि सिस्टर ये थोड़ी खिड़की, हाँ, तो ये खिड़की अब खुल गई है, तो अंदर से अच्छे से वर्क करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये फैमिली, इसमें कितने लोग रहते हो आप यहाँ पर? दो। आठ लोग रहते हैं मेरे मियाँ से। आठ लोग रहते हैं? अच्छा अच्छा, आप सारे आठ लोग रहते हैं। तो गाइस पीछे से आपको दिखाते हैं इनके घर की जो वो कोने में एक वो भी है दरार, तो वो भाई आप में दिखाएगा। भाई आगे चलें। ये देखिए इधर इधर भी दरार हो गई है, और ठीक है आ जाएं। तो गाइस जो आपने देखा, और ऊपर से इन्होंने सामान वगैरह जो कीमती सामान था वो बाहर निकाल दिया। तो गाइस भाई से हम पूछेंगे कि सिंध गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या किया, और पीपी हुकूमत ये वोट किसको देते हैं वो भी मालूम करेंगे। भाई जनाब वोट किसको देते हो? पीपी को। अम्मा जी तीर, तीर पे ठप्पे पे ठप्पो, तीर पे ठप्पो। तो आज गुर्बत को मिटा रहा है या तीर बढ़ा रहा है गुर्बत?
गुर्बत मिटा रहा है, यानी गरीब मर रहे हैं गुर्बत मिट रही है। तो गाइज आपने सुना पीपी भुट्टो जिंदा था इनके लिए, अभी भी भुट्टो जिंदा है या मर गया है वो पूछेंगे, भुट्टो जिंदा है या मर गया, जिंदा है नहीं भाई, भुट्टो जिंदा होता तो इतनी गुर्बत होती है, भुट्टो मर गया है भाई। अभी हम नोटिस के देते हैं, अभी जरदारी की हुकूमत चली, भुट्टो कहाँ है। तो अल्लाह रहम करे हमारे सिंध के ऊपर, लोगों के ऊपर। तो ये इनके घर थे, भुट्टो तो मर चुका है, अभी जरदारी हमें मार रहा है, गरीब लोगों को मार रहा है, ये गुर्बत के हाल में बेहाल हैं, निडाल हैं और बेयारों मददगार हैं, इनकी कोई मदद नहीं कर रहा। इनके घर में बरसात की वजह से टूट के और बरसात की प्रॉब्लम की वजह से ये बहुत ही परेशान है। हमारे गरीब है, हमारे घरों में बहुत सा नुकसान हो गया है, कुछ हम गरीब है, गरीब है हम लोग, अपनी बैंक दियो, हमारा घर भी जहाँ बदक ही गया है, फिलहाल नुकसान था ही क्यों है, हमारा घर भी जाने की गया, मैं हूँ करियो बैठा हूँ। तो गाइस ये हंस रहे हैं क्योंकि ये पहली दफ़ा कैमरे के सामने आते हैं, और लाजम सी बात है जब बंदा पहली दफ़ा कैमरे के सामने आता है हंसते हैं। मेहरबानी, तो इनको देना इजाज़त और मीर भाई को भी देना इजाज़त, अल्लाह निगेबान।